नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब टेक्का में। आज हम लोग जानेंगे सी लैंग्वेज में यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था सी लैंग्वेज में फंक्शन क्या होता है और कैसे उसको कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे बनाते हैं और कैसे कॉल करते हैं और कितने प्रकार की यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको बनाने के लिए दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले इसमें तीन पार्ट, मेन जो पार्ट होता है तीन पार्ट होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन ये होता है दोस्तों, जैसे हम लोग वेरिएबल को बनाते हैं तो उसको पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उसी प्रकार फंक्शन को भी पहले डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद दोस्तों फंक्शन कॉल, अगर दोस्तों हम लोगों ने कोई फंक्शन बनाया है तो उसको कॉल करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो दोस्तों वो काम ही नहीं करेगा, फिर फंक्शन बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद दोस्तों फंक्शन डेफिनेशन आता है, जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है दोस्तों, फंक्शन डेफिनेशन का मतलब है जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है उसमें क्या क्या कोड रहेगा, कैसे वो काम करेगा, उसको हम लोग फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे काम करता है, उसके बारे में अभी हम लोग जान लें। दोस्तों फंक्शन डिक्लेरेशन में मेजरली चार पार्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन टाइप या रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, टर्मिनेटिंग सेमी कॉलन। ये चार प्रकार के फंक्शन को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फंक्शन टाइप में, फंक्शन टाइप में दोस्तों ये होता है कि वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, या अगर रिटर्न करेगा तो उसका रिटर्न टाइप लिखा जाता है। उसमें दोस्तों अगर रिटर्न नहीं करेगा तो वो वॉइड लिखा जाता है। जब हम लोग फंक्शन के विभिन्न प्रकार देखेंगे तब वो ये हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों फंक्शन नेम। फंक्शन नेम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसका नेम, यूनिक नेम देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ताकि उसको आप फंक्शन कॉल कर सके अपने मेन प्रोग्राम में। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे फंक्शन मेन यूज किया जाता है। यहाँ पे आता है दोस्तों पैरामीटर लिस्ट, इसमें दोस्तों आर्गूमेंट पास किया जाता है। ये अगर आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोग जैसे दो नंबर को ऐड करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, नंबर वन और नंबर टू, तो उसमें आप लोग पर आर्गूमेंट में नंबर वन और नंबर टू पास करेंगे। अगर आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं नंबर वन नंबर टू, तो आप लोग यहां पे पास करेंगे नंबर वन नंबर टू, इसमें उसमें दोस्तों ये दो नंबर ऐड करके फंक्शन आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद आता था दोस्तों टर्मिनेटिंग सेमी कॉलन। अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं उसको अगर क्लोज करते हैं तो आपको टर्मिनेटिंग सेमी कॉलन से आपको यूज़ करना होगा। अगर अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों फंक्शन का सेंटेक्स क्या होता है। दोस्तों फंक्शन बनाने का सिंपल सेंटेक्स ये है, पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेंटेक्स ये है, पहले टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, जो कि मैंने अभी अभी पिछले वीडियो में चार प्रकार दिखाए। तो पहला ये है फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, और उसके बाद दोस्तों ये टर्मिनेटेड सेमी कॉलन। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल लिए दोस्तों, टाइप में आ जाता है इंट, हो सकता है करेक्टर, डबल, जो भी आपको टाइप में लिखना है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको फंक्शन नेम देना, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन मैंने बनाया जो कि दो नंबर के जोड़ के उसका रिजल्ट आउटपुट में देगा, तो ये ऐड हो गया, ये एड इसका फंक्शन का नाम है। उसके बाद इंट हो गया नंबर वन नंबर टू, तो इंट नम वन इंट नम टू जो होता है दोस्तों, इसमें आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इंट भी लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कई प्रकार होते हैं इसको लिखने के, आप खाली भी छोड़ सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आप फंक्शन को डिफाइन कीजिएगा तो उस समय आपको, डिक्लेरेशन कीजिएगा तो उस समय आपको ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये होता है फंक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इस यहाँ फंक्शन को कॉल करने का सिंपल तरीका है, तो दोस्तों फंक्शन को कॉल इस तरीके से किया जाता है, जैसे वो जो एग्जांपल था दोस्तों उसी को हम लिख देते हैं। यहाँ पे इंट हो गया एड, यहाँ पे एक दो वैल्यू ले रहे थे हम लोग, एन यू नम वन, नम टू, तो इसको हम लोग कॉल करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों का मेन से स्टार्ट हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक आउटपुट दे रहा है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग अगले यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे कॉल करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये रिजल्ट में आउटपुट देगा दो नंबर को जोड़ के ये फंक्शन, इसी को एग्जांपल में हम लोग लेकर चलते हैं, एक इंट नाम का रिजल्ट बनाए। उसके बाद दोस्तों आपको कॉल करने के लिए सिंपल है, इस फंक्शन का नाम यहाँ पे आप लिखिए ऐड,
इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आप पहले ये रिजल्ट लिखिए, रिजल्ट इक्वल टू ऐड, यहाँ पर आपको ये पैरामीटर लिस्ट में दो नंबर ये यहाँ पे ले रहा है, तो यहाँ पे हमको दो नंबर पास भी करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 10 और 30। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे फंक्शन ये कॉल हो चुका है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको रिजल्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट अप यहाँ पे परसेंट डी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट प्रिंट करवा देना, तो यहाँ पे जो ये इसका जो सम आएगा वो हम लोगों को स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों फंक्शन को कॉल किया जाता है। फंक्शन को कैसे डिफाइन किया आज के वीडियो में हम लोगों ने देखे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी फंक्शन के कई प्रकार होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से भी आप और भी सीरीज सारे प्रोग्राम वगैरह जो है जावा का भी कोर्स चल रहा है वो सब के भी आप लोग देख सकते हैं।